हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेला का सब्जी। करेला का सब्जी तो आप बहुत बार खाए होंगे, लेकिन ये करेला का सब्जी आपको नहीं लगेगा कड़वा और इतना टेस्टी लगेगा कि आप इसे बार बार खाना पसंद करेंगे। तो अब तक अगर करेला का शौकीन नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको करेले से प्यार हो जाएगा खाने में। तो आइए, हम बिना टाइम गंवाए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं बनाना। रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। तो देखिए, बाजार में तो 3 से 4 तरह का करेला आता है। एक मोटा वाला आता है, एक पतला वाला आता है, एक छोटा आता है। कई तरह के करेला आता है, आप कोई सा भी करेला का बना सकते हैं, आपको नहीं लगेगा कड़वा। तो देखिए, हम करेला को छील लिए हैं। आप चाहें तो बीज निकाल सकते हैं या बीज के साथ भी इसका सब्जी बना सकते हैं, जैसा आपका मर्जी करे वैसा बना सकते हैं। तो मैं बीज नहीं निकालूंगी, और आपको अगर मर्जी करे कि हमें बीज नहीं खाना है तो आप इस तरह से पूरा बीज को निकाल के और सब्जी बना सकते हैं। तो ये देखिए, हम 1 छोटा चम्मच हल्दी लिए हैं और 1 छोटा चम्मच हमें नमक की आवश्यकता पड़ेगा, और करेला को हम मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे हम करेला को बीज नहीं निकालेंगे। देखिए, हम बीज के समेत इसे इस तरह से बिल्कुल पतला पतला लंबा लंबा स्लाइस काट लिए हैं, देख सकते हैं आप। किसी भी शेप में, किसी भी डिजाइन में करेला को काट के सब्जी बना सकते हैं। तो जैसा भी आपको पसंद हो वैसा काट लें। तो देखिए, जो हल्दी लिए थे इसी में हम डाल लेंगे, और 1 छोटा चम्मच हम ये नमक डालेंगे। इस तरह से हम इसलिए डाल रहे हैं कि अगर आप मैरिनेट कर लेते हैं करेला को नमक और हल्दी से, तो वो कड़वापन खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो जुड़े रहें वीडियो में एंड तक। तो देखिए, हम मैरिनेट करके इसे 10 मिनट के लिए, या आपके पास टाइम हो तो आधा घंटा के लिए रेस्ट में रख सकते हैं। और आप आधा घंटा के बाद देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। देखिए, हम प्याज काट लिए हैं, 2 से 3 बड़े बड़े प्याज, और हम अपना करेला को चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो करेला में पानी निकला है वो मैरिनेट करने की वजह से निकला है, तो इसका जितना भी कड़वापन है और खत्म हो गया है, और ये हल्का सा सॉफ्ट पड़ गया है, तो इसी का कारण यही है। तो आइए, हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस जला लेते हैं, और किसी भी कढ़ाई में या पेन में आप इस सब्जी को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम सरसों का तेल डालेंगे थोड़ा सा, और जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा इसमें हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मेथी दाना। ये मेथी दाना से बहुत ही अच्छा लगता है करेला का सब्जी। तो देखिए, हम मेथी दाना को अच्छा से चटक जाने देते हैं, और जैसे ही हमारा मेथी दाना चटक जाएगा उसमें हम डालेंगे ये अपना काटा हुआ प्याज। प्याज हम बिल्कुल रफली काटे हैं, बारीक नहीं काटे हैं, देख सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये जो हमारा करेला है मैरिनेट हुआ पड़ा है, उसे हम पानी को बचाते हुए सारा डाल ले रहे हैं। देखिए, इस तरह से हम डाल ले रहे हैं। अगर आपको मन करे ये पानी डालने को तो डाल सकते हैं, लेकिन इस पानी को फेंक देंगे तो करेला नहीं लगेगा कड़वा। तो यही कारण है कि करेला कड़वा नहीं लगेगा, जितना भी इसका कड़वाहट है सब पानी में निकल चुका है। तो यहीं पे हम इसे ढक्कन से ढक के इतना अच्छा से भूनना है हमें कि बिल्कुल अच्छा से हमारा करेला भून जाए। तो देखिए, आप लो मीडियम फ्लेम पे करके इसे भून लें, उसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका करेला है इस तरह से हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया भून जाएगा। तो अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। देखिए, इस तरह का हमें करेला भुना हुआ चाहिए। अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, उसके बाद हम चलते हैं मसाले की ओर। देखिए, हम सेम कढ़ाई ले लिए हैं, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल रहे हैं फिर से दोबारा, और तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मसाले में सबसे पहले टमाटर ऐड करेंगे, उसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे। टमाटर को हमें अच्छा से भून लेना है कि एक अच्छा सा हमारे करेले का सब्जी में ग्रेवी बन जाएगा। हम 2 मिनट के लिए ढक दिए थे, और जो हमारा टमाटर है सॉफ्ट पड़ गया है, तो हम यहीं पे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और डाल के हम अच्छे से चला देंगे इसे।
एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे हम मसाले में। और एक चम्मच ये सरसों पाउडर है, आप इसके जगह पे सरसों कूट के भी डाल सकते हैं। एक चम्मच ये देगी मिर्च है, तीखा वाला मिर्च नहीं है, ध्यान रखिएगा, इससे सिर्फ कलर आता है, तीखा नहीं होता है। और आधा छोटा चम्मच हम हल्दी डाल के और टमाटर में ही मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम पानी डालें 1 से 2 चम्मच, ढक्कन से ढक के हम मीडियम फ्लेम पे मसाला को पका लेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा तो मसाला जो है बहुत ही अच्छा भून चुका है, तो जो हम करेला फ्राई करके रखे हैं, करेला प्याज, उसे हम ऐड करेंगे। सारा करेला हम ऐड करने के बाद में अच्छे से हम करछी से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ मसाला हमारा करेला में लग जाना चाहिए। यहीं पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, तो यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल रहे हैं। अच्छा से मिक्स करेंगे। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ग्रेवी रख सकते हैं, या सूखा ही इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे करके बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल 2 से 3 चम्मच पानी है, ज्यादा पानी नहीं है। और अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और देखेंगे 5-6 मिनट में ही कि जो हमारा करेला का सब्जी है बहुत ही बढ़िया पक जाएगा। तो इसे बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा करेला है बहुत ही अच्छा पक रहा है। तो हम ऊपर से ये डाल देंगे, ये आमचूर पाउडर है। आमचूर पाउडर से जो करेला का कड़वापन थोड़ा सा भी अगर बचा होगा तो खत्म हो जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये करेले का सब्जी है। तो इस तरह से आप जरूर बनाएं एक बार, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए हम अच्छा से मिक्स कर लिए हैं, यहाँ पर जो हमारा करेला का सब्जी है तैयार है। तो अब हम इसे आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। तो आप चाहें तो इस सब्जी को करारेदार भी बना सकते हैं, जैसे कढ़ाई में ही इसे इस तरह से कर लें और फ्लेम को हाई कर दे 2 मिनट के लिए, बिल्कुल नीचे से करारा हो जाएगा। और अगर आपको सब्जी के तौर पे खाना चाहते हैं तो सब्जी के तौर पे भी खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट है, तो मैं आपको एक प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए लजीज सा हमारा करेला का सब्जी खाने के लिए तैयार है। तो आप इसे पूरी पराठे या चावल के ऊपर भी, दाल चावल के ऊपर रख के खा सकते हैं, ये बहुत ही मजा आता है खाने में। तो वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दें, साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन उसे जरूर क्लिक करें, और हमारी बनाई गई अन्य रेसिपी को देखने के लिए जरूर क्लिक करें ये जो स्क्रीन पे आ रही है 4 वीडियो, इस पे। हम मिलते हैं एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए बाय बाय।